हेलो दोस्तों, मैं हूं संजू और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजू एंड ब्लॉग्स में। तो गाइस, काफ़ी सारे लोग और भी कमेंट कर रहे हैं कि संजू भाई रॉकी स्टार बैंड का, रॉकिंग स्पाइडर का और भी जय माताजी बैंड रामभा और कितनी ही बैंड के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन दो वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने खेत में, जिसको गुजराती में डांगर बोलते हैं, खेत में धान लगाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, चावल के धान लगाने के लिए। तो दोस्तों, कल से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आने वाली है, पिछले वीडियो से भी अच्छी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली है कल से। तो आप कल से इंतज़ार करिएगा दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ अपने खेत में चावल का धान लगाने के लिए। लोग तो मेरे सभी बैंड वाले जो फैन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर है, या जो बैंड वाले राज पिपड़ा की तरफ बैंड बुकिंग करने के लिए, जो हमारा डेडिया पड़ा है राज पिपड़ा का, जो रास्ता है यहाँ से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रोका जाएगा और क्यों रोका जाएगा तो वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है डेडिया पड़ा हमारा और इधर से राजपीपड़ा की तरफ जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी गाड़ियों को रोक रहे हैं, तो क्यों रोक रहे हैं वो हम जानेंगे अभी। પેલું નારું 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 આગળ મોવી વાળું ખરે ને, ઉયાલ વાળું એ તૂટી ગયું છે, મોટા વાળા નહીં જતા, તો નેત્ર ફેરી જવું પડે। કાં જા રહ્યા આપ? બળનાસી નો અમી રે। તો ફરીને તમારે જવું પડશે નેત્રંગ થી, નેત્રંગ થી મોવી તરફ થી જઈ શકાય છે, આ રસ્તો બંધ છે। તો તમારું નામ શું છે? પારસિંગભાઈ। પારસિંગભાઈ ક્યાંથી છો? દેસરા। એવું છે। આજે તમે ગાડીઓને રોકો છો, શાના માટે રોકો છો? એ વરસાદના હિસાબે ફૂલ તૂટી ગયો છે ને, એટલે અમે સુરક્ષિત ઊભા છે, તો મોટા માણસ જઈ શકતા નથી, એટલે નેત્રંગને મોવી તરફ વાળ જઈ શકે છે। और यहाँ पर पूरे दिन चावल का धान लगा लगा कर देख सकते हैं, मेरे हाथ पहले से काफ़ी ज़्यादा गोरे और अंग्रेजों के हाथ जैसे हो चुके हैं, देख सकते हैं वैसे पीछे काला ही है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं गोरे गोरे है, ये उंगलियों का क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। हम आज संजू के यहाँ डांगर रोपने आए थे और रोप के घर जा रहे हैं गाजर गोटा गांव में। तुम्हारा गामा वालन का या खो
सब संजू भाई को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू। वैसे हमारा इंस्टाग्राम पे संजू बैंड ब्लॉग्स है, उसको भी फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें नए हो तो। ये देख सकते हैं मैंने बचपन में आम के पेड़ लगाए थे, आज बड़े बड़े हो चुके हैं, देख सकते हैं। ये मेरा लगाया हुआ है, ये दो है, ये भी मेरे लगाए हुए हैं। उधर भी देख सकते हैं नारियल का पेड़ है, फणस का पेड़ है, कटहल का और आम का और बहुत कुछ है। वहाँ पे भी आम के पेड़ थे जो बचपन में लगाए थे, अभी भी कोई बहुत बड़े नहीं हो चुके हैं, थोड़े जवानी में है। ये देख सकते हैं बहुत दूर दूर, लेकिन क्या ही दिखाऊँ मैं अभी आपको। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये है मेरा खेत, कैसा लगा बताना जरूर। हर साल कपास करते थे लेकिन इस साल में मकई की हुई है, देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक मकई की हुई है। और जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पर चावल का धान लगाया है, तो देख सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया, ये मेरे लगाए हुए बचपन में लगाए थे मैंने आम के पौधे, और आज देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। तो आप भी अपने जीवन में कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए, एक पेड़ से क्या होता है, 10 पेड़ तो लगाने चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं जो मैंने कई बचपन में लगाए थे और बड़े बड़े हो चुके हैं। तो ठीक है, आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को उम्मीद है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।